दोपहर 12 बजे के मैथिली बुलेटिन में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपाकरण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। मांग 7 भीतर संपूर्ण बक्की उतारक कम तिरबाक सरकार द्वारा उप किसान संघ कैल गेल सहमति नहीं भेल पूरा, आंदोलनक तैयारी में किसान। सांसद मनांगे मंचे में एनफा अध्यक्ष के कलन मुक्का प्रहार, खिलाड़ी के अभ्यास मैदान अब से लेल ठाम ने मिला दिला कारण कलन आक्रोश व्यक्त। व्हीप जारी कह कर संसद से एमसीसी पारित कराओल जेबाक सत्तारूढ़ नेता सभक दावी, प्रावधान सब में विचार करक लेल प्रतिपक्षी के सुझाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विरुद्ध के महाभियोग ऊपर सीनेट में सुनवाई शुरू, शक्ति के दुरुपयोग अनुसंधान रोकबाक प्रयास के अमेरिकी कांग्रेस के आरोप। अशहीद स्मारक के डिवीजन लीग में आज एक खेल भ रहा, मच्छिंद्र आ पुलिस क्लब दोपहर 3 बजे दशरथ रंगशाला में होता आमने सामने। आ पूरा समाचार। माघ 7 गति भीतर सरकार द्वारा निर्धारण कैल गेल बमोजिम उखक बक्योता रकम किसान के देबाक सहमति भेलाक बावजूदो किसान एखनो धरि अपन पैसा प्राप्त नहीं केने अछि। सरकार संगे भेल सहमति पूरा नहीं भेलाक पश्चात किसान सब पुनः आंदोलनक तैयारी में अछि। उख मिल संचालक तथा उद्योगी माघ 7 गति के समय सीमा रखने छल। सरकार ओहि समय सीमा भीतर पैसा दियावा आश्वासन देलाक बाद उही किसान सब आंदोलन स्थगित सेहो कैलक, मुदा समय सीमा में किसान के पैसा नहीं भेटल। बरो उद्योगी चालाकी करैत चर्चा में आयल किसान रामविलास महतो सहित आंदोलन में नेतृत्व कर रहल उही कृषक के चुन चुन के पैसा भुगतानी कह बाकी उही किसान के थप पीड़ा देने सब। उख आंदोलन के अगुआ राकेश मिश्रा के अनुसार आरो किसान के पैसा नहीं भेटल, किस किसान के फुसला पनिया के उद्योगी फसावा खोजने कहित जाल जेल में नहीं फसवा कहित किसान सब फिर से आंदोलन के घोषणा के तैयारी में रहा। महालक्ष्मी सुगर मिल 11 करोड़ 50 लाख, अन्नपूर्णा 3 करोड़ 90 लाख आ इंद्र सुगर मिल 74 लाख रुपया भुगतानी केने विवरण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में आई पहुँचल। इंदिरा अन्नपूर्णा सुगर मिल के संचालक राकेश अग्रवाल छथ, महालक्ष्मी सुगर मिल के वीरेंद्र कनौड़िया रहल छथ। इंदिरा अन्नपूर्णा किसान के 21 करोड़ 38 लाख तथा महालक्ष्मी सुगर मिल 10 करोड़ 90 लाख रुपया भुगतानी देव के बाकी रखने से। किसान सब सरकार के देने अनुदान सेहो मिल अपने ल कर बाकी रुपया नहीं देने सेहो बतबते। उक संघर्ष समिति के सचिव राधेश्याम राय यादव अन्नपूर्ण 45 करोड़ आ महालक्ष्मी 15 करोड़ रुपया देव के बाकी रहल बतबते। उक किसान भुगतानी नहीं भेटल कहित आंदोलनरत किसान सब एक हफ्ता आंदोलन केला बाद पुष 18 गते सरकार संग सहमति पश्चात आंदोलन सब स्थगित करना सलाह। शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमांडू। गंडकी प्रदेश सांसद दीपक मनांगे कास्की के एन्फा अध्यक्ष मिलन गुरुंग के मुक्का प्रहार केने अछि। गंडकी प्रदेश स्तरीय मुख्यमंत्री कप फुटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में मंगल दिन प्रदेश सांसद मनांगे एन्फा अध्यक्ष गुरुंग के मुक्का प्रहार केने छल। बारंबार विवाद में आबि रहल गुंडा नायक के रूप में परिचित राजीव गुरुंग उर्फ दीपक मनांगे मुख्यमंत्री कप खेलबाक लेल मनांग से आयल टोली के अभ्यास मैदान आ बैसे वाला ठाम ने मिला दिलक कहित मुक्का प्रहार केने छल। एन्फा अध्यक्ष गुरुंग सांसद मनांगे अपना 3 बेर मुक्का प्रहार केने कहलनि अछि। सत्तारूढ़ दल नेकपा के स्थायी कमिटी सदस्य देवेंद्र पौड़ेल व्हीप जारी कर प्रतिनिधि सभा से मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी परियोजना पारित होयत कहलनि अछि। मंगल दिन राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में नेकपा स्थायी कमेटी के सदस्य देवेंद्र पौड़ेल प्रतिनिधि सभा से मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी परियोजना पारित करावाक बताने छथि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल से पारित करवाक पक्ष में रहल आ प्रधानमंत्री के सहना से पारित होब पड़वा कई भेलाक बाद संसद में व्हीप लागू क के एमसीसी पारित हेबाक हुनकर कहब छन्। कुनै पनि देश में यो एमसीसी प्रोग्राम लागू भएका देश में त्यहाँको जनता को गरीबी निवारणको निम्ति ठूलो उल्लेख्य भूमिका अमेरिकाले लगानी गरेर भएको छैन। अहिले पनि यो हेर्नुभयो भने यो गरीबी निवारणलाई होइन, यो चाहिँ पाल्पादेखि बुटौल हुँदै गोरखपुरसम्मको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा त्यो रकम खर्च गर्ने भनिएको छ र केही चाहिँ सडकमा खर्च गर्ने भनिएको छ। त्यसले भयानक चाहिँ कायापलट गरिबीको निम्ति हुने मैले देख्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधान सत्तापक्ष एमसीसी पास कर प्रभाग में जोर दिलाथ प्रावधान भेल कमी कमजोरी के विषय में विचार विमर्श कर सकवा कहित ओ बलैत अध्ययन अनुसंधान क सेहो बोलवा लेल सुझाव देने छथि। यो एमसीसी में भारत को सहमति किन चाहिए भने
त्यो बचेको इनर्जी चाहिँ भोलि भारतले किन्दिन भन्थ्यो, हाम्रो खेल जान्छ इन्भेस्टमेन्ट, त्यसमा नेपालको लगान पनि छ होइन, युएसएको लगान पनि भन्थ्यो, उनीहरूको ठुलो लगान छ, हाम्रो थोरै छ, हाम्रो चाहिँ होइन भनेपछि यो वास्तवमा सबैको सादा होइन दस्तावेज मात्रै पास गर्नुपर्छ, अब के विरोध र गुन्जास त हुन्छ होइन, तै पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो बेला एमसिसको एग्रिमेन्ट गरेको होला, हामीले चाहिँ त्यसलाई पास गर्नुपर्छ भने सबभर चाहिँ त्यहाँ छलफल गरौँ, कुनै किसिमको चाहिँ त्यहाँ बुढाहरू हटाउनु पर्ने छ भने यसमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर के यो नेपालको समृद्धि अझ विशेष गरेर समृद्ध सुखी नेपाललाई त एकदमै चाहिन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी नेता सब छल कपटमै राजनैतिक नै गर्वाको सुझाव दिएको छ त महाकाली सन्धि गर्वाको समयमै पैघ बात के नै मुदा कते नाफा लेब सकल कहित प्रश्न ओ एमसिसीमै रहल प्रावधान सेहो देख पर्वाको बताउनु छ त यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोतको चाहिँ सही सदुपयोग गरेर नेपालको उन्नति प्रगति होइन कि शक्ति केन्द्रहरूका तपाईँको चाहिँ आशीर्वाद शुभकामना अब त्यो लिएर राज्य सत्तामा बस्ने त्यसैको आडमा रजाई गर्ने यो चाहिँ दुःखद यो नेपाली प्रवृत्ति छ त्यस कारणले यो एमसिसीको बारेमा पनि त्यही छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तकी अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा विदेशी सहयोग लैत समय राष्ट्रिय हितको विषयमा सोच प्रभावको तर्क क्यान सलाह भारत चीन सह समेत नेपाल सहयोग लैताल कहित ओसम नेपालकै अपन राष्ट्रिय हित आ स्वार्थमै देख प्रभावको जोड दलाई हामीले एमसिसीबाट लिँदा पनि त्यसलाई हाम्रो मुलुकको हित हुने किसिमबाट मात्र लिनुपर्छ, हामीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबाट लिँदा पनि हाम्रो मुलुकलाई हित हुने किसिमबाट मात्र लिनुपर्छ, अरू मुलुकको स्वार्थ मात्रै त्यहाँबाट पुरा हुन्छ भनेर हामीले हेर्ने काम होइन। एमसिसी इन्डो पेसिफिक अङ्ग रहल कहित नेताकै दाबीमै नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास एमसिसी या इन्डो पेसिफिकको कोनो सम्बन्ध नै रहल स्पष्ट कह चुकलै छ। मैथिली समाचारमा अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। कंचनपुर के भीम दत्त नगर पालिका पहिल बेर अपन स्थापना दिवस मनौलक। नगर पालिका के 42वां वर्षगांठ के अवसर में मंगल दिन दिवस मनाओल गेल। कार्यक्रम के उद्घाटन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेमवांग केने छला। स्थापना दिवस के अवसर में बाजित मंत्री नेमवांग जनता के साझा मुद्दा शांति तथा सुरक्षा आ राष्ट्रीय स्वाभिमान के उच्च करबाक समय आब चुकल कहित सरकार गठन भेलाक बाद समृद्ध नेपाल निर्माण के महाअभियान के आरंभ भेल कहलनि। साथे ओ शीघ्र अतिशीघ्र कंचनपुर के हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न करबाक हेतु सरकार प्रतिबद्ध रहल आश्वासन समेत देलनि। ये भीमदत्त नगरपालिकामा यी छेउ बन्न आइपुगे पनि सिङ्गो जिल्लालाई सेवा पुर्याउने हिसाबले हुलाकी राजमार्ग द्रुत गतिले राष्ट्रिय रूपमा निर्माणको अभियान तीव्र छ। झन्डै 40-50% भौतिक प्रगतिहरू भइसकेको छ कञ्चनपुर जिल्लामा। सरकार 78-79-80 को आर्थिक वर्षभित्र यो बाटो सम्पन्न गराएर यहाँको जनतालाई सुविधा दिलाउन चाहन्छ। भीमदत्त नगरपालिकाक नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट नगर क्षेत्र के विकास सब पक्ष के सकारात्मक सोच आ सहयोग सँ सफल होबाक दावी केलनि। नगर क्षेत्र को विकास सबै पक्ष को सकारात्मक सोच र सहयोगबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ। नयाँ संवैधानिक व्यवस्था संघ प्रदेश स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड आवश्यक ऐन कानून निर्देशिकाको अभाव कर्मचारीहरूको समायोजन समयमै टुङ्गो नलागेको अवस्थाले केही समय अन्यताको अवस्था भए तापनि अब भने नगरपालिकाले विकासको गति लिन खोजेको छ। स्थापना दिवस कार्यक्रम में संघीय सांसद पूर्व मंत्री तथा प्रदेश सभा सदस्य सबके उपस्थिति रहल छल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहि वर्ष नेपाल औता। मंगल दिन विराटनगर स्थित एकीकृत भंसार चौकी के नेपाली समकक्षी केपी शर्मा ओली संगे वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्फत उद्घाटन करबाक क्रम में मोदी सन 2020 में अपना नेपाल भ्रमण में एबाक बतौलक। पहिल बेर प्रधानमंत्री चयन भेलाक तुरंत बाद नेपाल के औपचारिक भ्रमण का चर्चा में रहल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी उपयुक्त समय मिलाक पुनः नेपाल भ्रमण करबाक जनौलक। पहिल नेपाल भ्रमण के क्रम में नेपाली संसद के संबोधन का चर्चा में रहल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी एहि बेर के भ्रमण में की केहन आतिथ्यता प्राप्त करता ए बात के प्रतीक्षा।
अब आर्थिक समाचार। डडेलधुरा के भित्री मधेश के किसान गाय पालन दिस आकर्षित भेलिस। डडेलधुरा के आलीताल गांवपालिका आ परशुराम नगरपालिकाक विविध स्थान में कोल्ड स्टोर तथा दुग्ध संकलन केंद्र के स्थापना भेलाक पश्चात किसान सब गाय पालन दिस उन्मुख भेलिस। डडेलधुरा के भित्री मधेश के कृषक सब गाय पालन के निक आमदनी के स्रोत सेहो बनौने। अलीताल गांवपालिका के विभिन्न स्थान में एखन दैनिक 2000 लीटर दूध उत्पादन होत। अलीताल घरेलू गांव के 40 परिवार समूह गठन कर जर्सी गाय पालन व्यवसाय शुरू कने। जर्सी गाय 3 वर्ष पहिने चितवन से लाउल गेल जर्सी गाय से एखन ओ सब निक आमदनी कर रहा है। गाँव में दुग्ध डेयरी खुला के बाद हुनका सब द्वारा उत्पादन कल गेल दूध के बजारों निके भेटल। दूध बेचेर दूध संकलन करें दूध बेचेर अब एउटा गाडी पनि हालियो सर। त्यसपछि अहिले घर पनि आफ्नै निजी घर लगाएर जाने त्यसैमा म डेयरी सञ्चालन गरिरहेको छु अहिलेको अवस्थामा। अहिले हामीसँग सुरुमा 50-60 गाई आयो त्यसैबाट उत्पादन भएर 400-500 हारालीमा गाईहरू भइरहेको छ यो ठाउँमा। यो दुधले अहिले घरमा स्कुलमा विद्यार्थी पढाउनलाई पनि खर्च चलिरहेको छ। अरू खान लाउनु पनि अब त्यहीबाट अब यही रकम बिक्री गयो त्यहीबाट दुध डेरीबाट अब लाल धुलो चामल अलमल पेट पाल्ने गुजारा चलिरहेको छ। 35-40 लिटर दैनिक र आम्दानी 1200-1200 दैनिकमा चाहिँ जिल्ला परिषद कार्यालयको अनुदानको कार्यक्रम 1,00,000 रुपियाँ सहयोग हो र मसिकोरको चाहिँ 16,000 सहयोग हो। गाय पालन के लिए भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुरा आ विभिन्न गैर सरकारी संस्था आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग देवत लगलाक बाद स्थानीय कृषक विदेश जाए छोड़ने। सफा दूध उत्पादन कसरी करने दूध को लागत कम करना को लागि के कस्ता योजना के कस्ता घास लगाउने र ती घाँसहरूलाई चाहिँ पशुपस्तुहरूलाई चाहिँ खुवाउने भन्ने सम्बन्धीका क्षेत्रीय स्तर तालिमहरूमा पनि उहाँहरूलाई पठाइराखेको छु। साथसाथै त्यसको साथसाथै दुध बिक्री नभएको अवस्थामा दुधबाट बनाइने विभिन्न दुधको विविधीकरण सम्बन्धीका तालिमहरू पनि हाम्रो क्षेत्रीय स्तरमा चाहिँ सम्बन्धित कृषकहरूलाई चाहिँ दिइराखेको अहिलेको अवस्था रहेको छ। गाउँ तथा स्थानीय बजारमै बिक्रीके बाद बाँकी दुध दैनिक रूपमै कैलाली के दुग्ध संस्थान आ खपदट डेरी अतरियामै बिक्री हुँदैछ। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार फेर सौ एक बेर। माघ सात भीतर संपूर्ण बक्योता रकम तिरबाक सरकार द्वारा एक किसान संग कैल गेल सहमति नहीं भेल पूरा आंदोलनक तैयारी में है किसान। सांसद मनांगे मंचे में एनफा अध्यक्ष के लिए मुका प्रहार खिलाड़ी के अभ्यास मैदान आबे से लेल ठाम ने मिला दिला कारण के लिए आक्रोश व्यक्त। ट्वीट जारी कर संसद से एमसीसी पारित कराओल जवाब सत्तारूढ़ नेता सबक दावी प्रावधान समय विचार करक लेल प्रतिपक्षी के सुझाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विरुद्ध के महाभियोग ऊपर सीनेट में सुनवाई शुरू शक्ति के दुरुपयोग अनुसंधान रोकवाक प्रयास के लिए अमेरिकी कांग्रेस के आरोप। शहीद स्मारक के डिवीजन लीग में एक खेल भ रहा मछिंद्रा पुलिस क्लब दोपहर 3 बजे दशरथ रंगशाला में हुए आमने सामने। एखन के लिए मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ा देख सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।